Good morning, everyone. I am Aparna Malankar from Nehru Nagar NPS. Hello, everyone. Good morning, student. Everyone to all. Student, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक ऐसी चीज जिसका उपयोग हम लोग रोज के उपयोग में मतलब रोज के वापर में हम लोग करते हैं और वो शायद आपको मालूम रहेगा कौन सी है. ठीक है, जब हम लोग मार्केट जाते हैं या कोई भी अगर हम लोग गिफ्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो आजकल आपको मालूम है कि गिफ्ट पैक में कोई भी गिफ्ट ऐसे पैकिंग करके नहीं देता, एक गिफ्ट बैग रहती है. या फिर हम लोग मार्केट जाने के लिए जो सब्जी वगैरह रखने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, यस बैग. ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कपड़े की बैग नहीं, पेपर बैग. हाँ देखो, यहाँ पे मैंने अलग अलग शेप में बैग तैयार की है जिसका उपयोग आप लोग गिफ्ट रखने के लिए भी कर सकते हैं. ये एक ऐसा शेप है, एक ऐसी है और एक एकदम छोटी सी है जिसके अंदर आप लोग कुछ भी गिफ्ट इसके अंदर आप लोग रख सकते हो और किसी को भी प्रेजेंट दे सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो. ठीक है, तो अभी इसके लिए कौन सा सामान लगता है. गिफ्ट बैग बनाने के लिए बहुत कुछ सामान नहीं लगता, जैसे फेविकॉल, मेजरमेंट के लिए स्केल, स्केची और रिबन और कुछ टिंटेड पेपर या फिर आप लोग चार्ट पेपर भी ले सकते हो. ठीक है, टिंटेड पेपर इसलिए लेना है क्योंकि ये थोड़े चार्ट पेपर से थोड़े थिक रहते हैं, तो इसलिए जो भी आप लोग पेपर बैग बनाओगे ना तो वो बहुत अच्छी दिखेगी. ठीक है, तो हम लोग अभी पेपर बैग बनाना शुरू करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए मैं ये कलर का पेपर ले रही हूँ, कौन से, ऑरेंज कलर. अभी सबसे पहले देखो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. सबसे पहले देखो आप लोग अंदाज से भी बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को स्केल ही लेनी पड़ेगी. ठीक है, आप लोग अंदाज से भी आराम से इसको बना सकते हो. तो सबसे पहले देखो A4 साइज का पेपर है, इस पेपर को इस तरह से आपको रखना है और मेजरमेंट आपका बिल्कुल गलत ना हो इसके लिए आप लोग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो. अभी देखो यहाँ पे ऊपरी जगह पे मैंने इसे फोल्ड किया, थोड़ा सा फोल्ड इसको कर, आप लोग थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन इतना सा ही करना है. स्टूडेंट आपको पता है एनवायरमेंट फ्रेंडली जो बैग है वो कौन सी है, यस पेपर बैग. क्यों इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय होती है. ठीक है, जैसे अभी प्लास्टिक की आप लोगों ने आप सुना ही रहेगा क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अभी बहुत बैन हो चुका है. मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हम लोग कम करेंगे उतनी हमारी सेहत है वो कैसे रहेगी, अच्छी रहेगी. आप लोगों ने अभी देखा रहेगा कि बहुत से लोग अभी जो हम लोग पानी की बोतल जो इस्तेमाल करते हैं वो भी आजकल स्टील की आ रही है. क्यों आ रही है, क्योंकि आजकल बहुत जो कैंसर का प्रमाण है या फिर जैसे कैंसर है या फिर बहुत सारे ऐसे कफ जो है, ये जो सारी चीजें हैं ये सारे के ज्यादातर तो किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्टिक की वजह से हो रहा है. जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रहते हैं इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कौन से ऐसी बहुत छोटी छोटी जो चीजें रहती है जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है. इसलिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें हैं उसी का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए. देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, पेपर को इस तरह से ऊपर से फोल्ड किया. ठीक है, अभी इसी तरह से आपको ये साइड में भी फोल्ड करना है. देखो एकदम ये फोल्ड को एकदम छोटा फोल्ड करना है, एकदम छोटा. ठीक है, इस तरह से हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं एक छोटी गिफ्ट बैग. ठीक है, इसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो. देखो बड़ा सा न्यूज़पेपर अगर आप लोग लोगे तो एक बड़ी सी बैग आपकी तैयार बन जाएगी. और न्यूज़पेपर की बैग बनाने के लिए भी आप लोग यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. ठीक है, देखो अभी एक फोल्ड यहाँ पे हो गया और एक फोल्ड अभी यहाँ हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन सी. और फेविकॉल का इस्तेमाल करते वक्त आपको बहुत ज्यादा फेविकॉल नहीं लगाना है क्योंकि जितना गाढ़ा आप लोग फेविकॉल लगाओगे ना उतना सूखने के लिए बहुत टाइम लगेगा. सी, देख रहा है सबको,
Very good. अभी पेपर को इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इस तरह से, ठीक है। अभी इस पेपर को आपको इस तरह से फोल्ड करना है। आपको पता है कि ये जो ऊपर का फोल्ड मैंने किस लिए किया, जब आप लोग इसको हैंडल करोगे ताकि ये जो फोल्ड है उस हैंडल को मजबूती देगा, यानी इस फोल्ड की वजह से वो हैंडल क्या रहेगा, अच्छी तरह से बैग को टाइट रखते हैं। अभी देखो, इतना होने के बाद हम लोगों को वापस ये दो जगह पे फोल्ड करना, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से फेविकॉल लगा के दो ताकि ये बिल्कुल निकले नहीं। ठीक है, देखो इस तरह से। अभी इस तरह से अच्छी तरह से पेपर फोल्डिंग होने के बाद अभी यहां पे फोल्ड कर और एक बार। ये फोल्डिंग, ये साइड की फोल्डिंग और दूसरे साइड की फोल्डिंग एकदम सही होने के लिए आप लोग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपकी जो फोल्डिंग है वो दोनों तरफ से एकदम, उसका दोनों तरफ का जो मेजरमेंट है वो एकदम सही आ जाए, परफेक्ट आ जाए। अभी देख, यहाँ पे मैं स्केल ले रही हूँ और इसका मेजरमेंट ले रही हूँ, कितने सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ओके 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी, ये साइड में भी हम लोगों को क्या करना है, 2 सेंटीमीटर तक फोल्ड कर। या फिर आप लोग अंदाज से भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सपोज आपके पास अगर स्केल नहीं है तो तुरंत आपको अगर ऐसे गिफ्ट बैग बनानी है तो आप लोग कैसे बना सकते हो, एक थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो गया तो भी चलेगा। सी, ओके, यानी आपको जितना परफेक्शन हम आप लोग कर सके उतना आपको करना है। देखो अभी ये हो गया हमारा, अभी हम लोगों ने कितने फोल्ड किए, फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड, फिर बाद में ये थर्ड और ये फोर्थ, अभी हमारे 4 फोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। अभी नीचे की तरफ इस तरह से ये फोल्ड थोड़ा हमें क्या करना है, थोड़ा ज्यादा लेना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिया सबने, ओके। अभी इन दोनों को खोलें, ये खोलने के बाद वापस से पीछे की तरफ हमें मोड़ के लेना है, जिस तरह से पहले क्या किया कि आगे की तरफ जिस तरह से पेपर मोड़ के लिया, उसी तरह से पीछे की तरफ भी मोड़ के लेना है, ताकि जो उसके आगे का जो फोल्ड है वो अच्छी तरह से एकदम फाइन लाइन आ जाए, ठीक है। अगर आपकी फोल्डिंग लाइन अगर ठीक तरह से नहीं रही तो फिर आप लोग जो फोल्डिंग करोगे, अंदर में जो कागज को मोड़ के लोगे ना, वो अच्छी तरह से नहीं आएगी, इस तरह से। ठीक है, अभी दोनों फोल्ड को आपको खोलना है और इससे एकदम हल्के हाथ से, ये देखिए आपको कितनी लाइन दिख रही है, 1, 2 और 3, ये 3 लाइन्स को, बीच की लाइन को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके देना, और जो 2 लाइन है उसको धीरे से इस तरह से
देखो ऐसा M आना चाहिए, ठीक है, V शेप ऐसे आना चाहिए, इस ये तरफ भी वैसे ही, यानी हम लोगों ने क्या किया है इसे अंदर की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। उसी तरह से दूसरी बाजू जो है वो दूसरी बाजू पे भी उसी तरह से फोल्ड कर, आपको एकदम धीरे से क्या करना है उसे निकालना है, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे फेविकॉल से ये लाइंस को चिपकाया, ये देखिए एकदम हल्के, पेपर बैग बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे दुकान में मिलती है कि नहीं रेडीमेड, हम लोग जो पेपर बैग खरीदते वो कैसे रहती है, एकदम फाइन फोल्डिंग रहता है कि नहीं, उसी तरह से आपका चारों तरफ से इसका फोल्डिंग है वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। ये देखो अभी इससे मैंने क्या किया, इस तरह से नीचे की, अभी ऊपर की तरफ जो फोल्ड किया है वो अंदर की, अभी उसी तरह से नीचे की तरफ जो फोल्ड है उसे हमें फोल्ड करना है, वो थोड़ा सा फोल्ड हमें कुछ ज्यादा लेना है। आप लोग मेजरमेंट ले सकते हो, यहाँ पे मैंने कितना लिया है 5 सेंटीमीटर, दोनों तरफ से आपको मेजरमेंट करना है, क्योंकि कभी कभी फोल्डिंग के वक्त कैसे होता है कि जो फोल्डिंग पेपर है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अभी इसे इस तरह से खोलना है, ये ऐसे खोल के लेना, ठीक है। यहां देखो सब लोग ये पेपर फोल्डिंग करते वक्त ना आपको अच्छी खबरदारी लेनी है। अभी देखो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने लाइन फोल्डिंग की है, इस लाइन के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल लेना, ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ना है, ठीक है, दोनों तरफ से। और ये क्यों मोड़ना है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, अभी ये देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करना, क्योंकि ये जो दो फोल्ड है ये हमें वापस से इसके अंदर डालने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आगे पेपर को फोल्ड करते वक्त आगे और पीछे दोनों दोनों तरफ हमें फोल्ड करना चाहिए, ताकि हम लोग जब इसको दोनों तरफ से मोड़ते हैं ना तो उसकी फोल्डिंग जो है वो एकदम अच्छी तरह से दिखती है। देखो अभी इसे अंदर की तरफ, ये देखो ये इस तरह से, दिख रहे हैं सबको, ये देखो, ओके ठीक है। अभी देखो ये पेपर को हमें इस तरह से, क्योंकि जब आप लोग फोल्डिंग एकदम अच्छी तरह से करके लेते हो ना तब आपको पेपर बैग बनाने में बहुत आसानी होती है। देखो ये आसानी से अंदर मिल गया है कि नहीं, अभी इसे ओपन करके रख, अभी ऐसे क्यों करना है, ताकि हम लोग जो इसका जो बेस है वो हमें अभी चिपकाना है, इसके लिए ये यहां से यहां तक आपको ऑलरेडी यहाँ पे लाइन मिल जाएगी, जब आप लोग फोल्डिंग अच्छी तरह से करोगे ना तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे लाइन बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी, देख ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे और इसे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आपका आना चाहिए।
अभी हमें इसे चिपका के। कभी कभी फोल्डिंग लाइंस जो है आपकी वो क्या हो जाती है, कभी कभी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप लोग उसको अंदर थोड़ा मोड़ के क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तरफ में आपको चिपकाना नहीं है, थोड़ा ये जगह। और ये ठीक है, सी देख रहे हैं सबको बेटा, कितनी अच्छी तरह से देखो पेस्टिंग हो गया। अभी इसे आपको हल्के हाथ से दबा के लेना है, थोड़ा इसे खोल लें इस तरह से, और इसे ऐसे रख के थोड़ा प्रेस कर लें। और पेस्टिंग करते वक्त फेविकॉल जो है वो ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं दिखता, फिर उसके दाग लग जाते हैं, इसलिए इस तरह से। ठीक है, देखा है ना आपने, ऐसी फोल्डिंग बैग आपने बाजार में बहुत देखी होगी। देखो जितना ब्राइट कलर उसका दिखता है ना, उतनी वो फोल्डिंग बैग बहुत अच्छी दिखती है। अभी इस फोल्डिंग बैग को और एक काम है, और दो काम बाकी है, कौन से, यस, इसे हैंडल लगाना और इसे अच्छी तरह से डेकोरेट करना, फिर हमारी गिफ्ट बैग तैयार हो जाएगी। चलो अभी इसे हैंडल बनाने के लिए आप लोग सैटन रिबन का उपयोग कर सकते हो, या फिर जिस तरह से अभी मैंने आपको पहले ऐसे दिखाया। अभी देखो ये पेपर बैग बनाते वक्त मैंने क्या किया है, पेपर का ही इस्तेमाल किया है हैंडल बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत कोई वजन का गिफ्ट नहीं रखना है, एकदम हल्का गिफ्ट रखना। ठीक है, तो हल्के गिफ्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसे गिफ्ट रख के किसी को भी प्रेजेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसका उपयोग करेंगे सैटन रिबन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर दो छेद करने हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे सैटन रिबन लगा सकते हो। चलो आपको मेजरमेंट लेना है, कितना कितना बड़ा आपको हैंडल चाहिए उतना। इस तरह से ठीक है, अभी ये दो हैंडल के लिए हमने सैटन रिबन कटिंग करके दी। इस सैटन रिबन को अभी क्या करना है, थोड़ा सा फेविकॉल लगाना यहाँ और यहाँ। ठीक है, अभी ये तरह उसी तरह से कैसा है, जब आप लोग कोई भी गिफ्ट
अगर गिफ्ट पेपर में अगर आप रैप करके देते हो ना, तो कभी कभी वो पेपर क्या हो जाता है, फट जाता है कि नहीं, जब आप लोग सेलो टेप वगैरह उस पेपर को गिफ्ट पैक करते वक्त जब लगाते हो, तो कभी कभी क्या होता है, गिफ्ट खोलने में इतने हम लोग इतनी खुशी मिलती है कि गिफ्ट क्या होगा, तो तब क्या होता है, पेपर फट जाता है और उस पेपर का हम लोग वापस से रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन जब गिफ्ट बैग होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग वापस से रीयूज कर सकते हैं, किसी को हम लोग देने के लिए वापस से उस बैग का उपयोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर तो आज लोग क्या अभी क्या करते हैं, गिफ्ट बैग का उपयोग ज्यादा करते हैं। आपको दिखाई देता है ये ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि गिफ्ट बैग में ही गिफ्ट को पैक करके देते। ठीक है, सी हमारी सुंदर सी बैग तैयार। अभी इसे हमें डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए आप लोग कौन से भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये मैंने क्या लिया है, दो नॉर्मल क्राफ्ट पेपर लिए है, एक ग्रीन कलर और एक पिंक कलर। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का हैंडल लगाया है, इसलिए थोड़ा सा उसको मैच होने के लिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर का उपयोग किया है। अभी इससे मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा गुलाब का फूल तैयार करूंगी। अभी देखो वो कैसे करनी। ठीक है, सबसे पहले पेपर को इस तरह से फोल्ड कर, और फोल्ड करने के बाद अभी देखो गिफ्ट बैग बनाते वक्त ना, दोनों तरफ से आपको डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक तरफ से डेकोरेशन करोगे तो भी चलेगा। अभी ये जो क्राफ्ट पेपर है स्क्वायर वाला, आपको रेडीमेड मिलता है, तो इसके आप लोगों को क्या करने हैं, चार भाग करने हैं, ताकि आप चार फूल बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखो डायरेक्टली आप हाथ से भी उसको कटिंग कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर स्केल रही। अभी मैंने एक बार आपको सीजर से बताया, अभी स्केल से बता दी। देख इस तरह से, ठीक है, देखो सीजर का भी हम लोग स्केल का भी हम लोग किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास राउंड करने के लिए कंपास नहीं है, तो फिर आप लोग छोटी सी चूड़ी ले सकते हो, या फिर किसी को अगर राउंड डायरेक्टली अगर आप लोगों को सीजर से अगर कर सकते हो तो सीजर ले सकते हो। चारों पेपर आपको साथ में लेने, क्योंकि ये बहुत इतने इतने थिक नहीं बन जाते, आसानी से आप लोग चारों पेपर को एक साथ में भी आप लोग सर्कल कर सकते हो। देख ठीक है, अभी देखो ये हम मेरे चार सर्कल अभी तैयार हो गए। अभी वापस से इन चार सर्कल, वाह ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है इसे। ठीक है, अभी इस सर्कल को वापस से हम क्या करेंगे, कहीं से भी आपको कटिंग स्टार्ट करना है और इसके अंदर छोटे 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 सर्कल बनाएंगे। देखो कैसे, और ये पेपर का जो रोज फ्लावर है वो बनाना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ आपको अच्छी तरह से कटिंग करना बहुत जरूरी है और फिर बाद में फोल्ड करना। देख ठीक है, तो एक साथ हमारे कितने फोल्ड तैयार हो गए, कितने कटिंग्स तैयार हुए, चार। और ग्रीन पेपर मैंने किस लिए रखा है, अगर फूल कलरफुल है तो पत्तियों का कलर कौन सा रहता है, ग्रीन कलर, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का एक पेपर क्राफ्ट पेपर लिया। ठीक है, अभी इसे फोल्ड करना शुरू करें। इसके लिए आप कोई भी रिफिल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर टूथपिक रहती है ना उसका भी, ताकि आप लोगों को फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। ठीक
ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली भी आप लोग ऐसे उसको फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, एकदम धीरे धीरे फोल्ड कर। आप जितना फोल्ड उसको बारीकी से एकदम टाइट भी नहीं पकड़ना है और एकदम लूज भी नहीं पकड़ना है, ये देखो ठीक है। अब यहां तक फोल्ड होने के बाद इसको ये छोड़ना है, क्यों छोड़ना है बताती हूँ, अब इसे धीरे से उसको छोड़ना है, ये देखो ठीक है, देखो ताकि ये जो राउंड राउंड अंदर हुआ है ना उसे हम लोग इसके ऊपर रखकर चिपकाएंगे, ये देखो यहाँ पे फेविकॉल लगा, थोड़ा उसको सूखने के लिए टाइम देना क्योंकि ये झट से नहीं सूखता, थोड़ा जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बहुत ज्यादा फेविकॉल मत लगाओ, फिर सूखने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। सी स्टूडेंट एकदम हल्के हाथ से उसको प्रेस करना है, देखो हो गया, कितना कलरफुल दिख रहा है कि नहीं, पिंक कलर का। इसे भी यहां रखना है, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग चार भी फ्लावर बनाकर उसको लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ दो फ्लावर, एक ही फ्लावर लगाएंगे। अभी पत्तियां बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेपर को इस तरह से फोल्ड करके लेना है, क्योंकि पत्तियां, इसकी गुलाब की पत्तियां कैसे रहती है, बहुत छोटी छोटी रहती है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पत्तियां कैसी करेंगे, कटिंग वाली नहीं करेंगे, फोल्डिंग वाली करेंगे। देखो इस तरह से जैसे गुलाब बनाने के लिए पेपर के हमने क्या किए थे, चार कटिंग करके लिए थे, उसी तरह से ये कटिंग करके लेना। अभी ये स्क्वायर को वापस से इस तरह से फोल्ड करना है। आप लोग दो, आपको अगर दो पत्तियां लगानी है तो सिर्फ दो पत्तियां लगा सकते हो या फिर एक लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से ये देखिए। और इसे इस तरह से गोल कट करके लेना है, क्योंकि गुलाब की पत्तियां कैसे रहती है, थोड़ी गोल रहती है कि नहीं। अगर आपको डायरेक्टली सीजर से कटिंग करने में थोड़ा थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, पेंसिल से उसको पहले ड्रॉ करके ले सकते हो और फिर बाद में कटिंग कर सकते हो। देखो अभी ये पत्तियों का शेप है, अभी इसे क्या करना है, इसे फैन फोल्ड करना, ठीक है। फैन का फोल्ड कैसे रहता है, आगे की तरफ पेपर को मोड़ा जाता है और पीछे की तरफ, उसी तरह से हमें मोड़ के लेना है। अभी ये देखो, अभी ये मैंने ये तरफ लिया, फिर पेपर को इस तरह से घुमाओ और दूसरी तरफ, एकदम उसका जो फोल्ड है वो एकदम, जितना आप लोग उसका फोल्ड पतला पतला करोगे ना उतना वो अच्छा दिखेगा, ये देखो। ये ठीक है, दिख रहा है सबको, देखो कितनी प्यारी पत्ती बन गई। अभी उसी तरह से ये दूसरी पत्ती करेंगे, ये देखो
इस तरह से, ये देखो हो गया। अभी ये दोनों पट्टियां तैयार हैं। अभी हम लोग इसे कैसे चिपकाएंगे देखो, आपको जिस तरह से चिपका सकते हो वैसे आप चिपका सकते हो, जिस तरह से आपको डेकोरेशन करना है वैसे। यहाँ पे मैंने थोड़ा फेविकॉल लगाया और ये छोटा गुलाब मैंने यहाँ पे धीरे से चिपका, इसी तरह से एक छोटी पट्टी यहाँ पे, यहाँ पे आपको अगर लगे कि आपकी पत्ती की साइज थोड़ी बड़ी है तो आप लोग इसको फोल्ड करने के बाद भी कटिंग कर सकते हो। छोटी बड़ी भी लगा सकते हो। और एक थोड़ा सा उसको इसे डेकोरेट करने के लिए और भी एक टिकली ऐसी लगा सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ, थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए। आपको डेकोरेशन जो है वो आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप सी सिंपल एंड सोबर, कितनी अच्छी गिफ्ट बैग तैयार हो गई कि नहीं। कलर कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोग कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा डार्क लोगे, डार्क और लाइट ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन आप लोग लोगे उतनी आपकी गिफ्ट बैग बहुत सुंदर दिखेगी, है कि नहीं। आई सबको पसंद, सब लोग बनाएंगे अलग अलग शेप में अलग अलग कलर में, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितनी सारी गिफ्ट बैग सी, और ये बहुत छोटे गिफ्ट के लिए छोटी गिफ्ट बैग और आपको ये लेसन बहुत अच्छा पसंद आया होगा और इसी तरह से आप लोग बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट बैग बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है स्टूडेंट कि गिफ्ट पेपर गिफ्ट बैग का भी एक छोटा सा लघु उद्योग यानी एक छोटा सा बिजनेस रहता है। बहुत सारे घरों में न्यूज़पेपर की पेपर बैग बनाते हैं या फिर ऐसे प्रिंटेड पेपर की या फिर चार्ट पेपर की बनाकर लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बिजनेस भी आप लोग उसको कर सकते हो। आप ऐसे गिफ्ट बैग बनाकर क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो और उससे पैसे भी आप लोग कमा सकते हो, ठीक है। सबको पसंद आया, वेरी, चलो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एवरीवन।